हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं दूसरे दिन में? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लीड मैग्नेट के बारे में। तो लीड मैग्नेट क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे लोग, आप लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि बहुत सारा ऐसा बिजनेस होता है कि जो लीड जनरेशन का डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लॉगिंग का बिजनेस है तो आपको ईमेल के सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आपका B2B बिजनेस है तो लीड जनरेट होती है उससे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे अपस्किल है तो वहाँ पे भी लीड का जनरेशन का काम होता है। अकोमोडेशन होता है, रियल एस्टेट होता है, वहाँ पे भी लीड का काम होता है। तो मैंने अपने लाइफ में लीड जनरेशन का बहुत सारा काम किया है, लीड जनरेशन का बहुत सारी कंपनी में काम किया है। कंपनी को लीड जनरेशन इस लेवल पे भी हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने महीने का करोड़ों के लगभग में रेवेन्यू आराम से जनरेट किया है, लीड जनरेट कर करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ में। तो सबसे पहला सवाल आता है, लीड मैग्नेट से पहले सवाल आता है कि लीड क्या होता है। तो लीड बेसिकली किसी का भी एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, किसी का फोन नंबर, किसी का ईमेल एड्रेस, ये होता है लीड। लीड जनरेट कैसे करते हैं? तो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं। फेसबुक में एड रन करते हैं तो लीड जनरेशन का वहां से भी एडवर्टीजमेंट चलता है, राइट? इसके अलावा और भी तरीका होता है लीड जनरेट करने का। वो जो लीड जनरेट करने का जो तरीका होता है, वो तरीका हम आप लोग उसको किसी और वीडियो में बताएंगे। आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं कि लीड मैग्नेट क्या होता है। अगर आप लोगों को कुछ लीड जनरेट का तरीका देखना है तो आप जाइए YouTube पे सर्च कीजिए अपस्किल गूगल। क्या सर्च करना? अपस्किल गूगल, UPP है, याद रखिएगा, सिंगल P नहीं है, अपस्किल गूगल। ये सर्च कीजिएगा तो पहला दूसरा रिजल्ट में एक हमारा 25 मिनट का वीडियो आएगा जो कि गूगल के यूज करते हुए SEO के लीड्स या कोई भी लीड्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर में एक पार्ट है उस वीडियो में, तो आप इसको वहां पे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक लीड जनरेशन का एक तरीका होता है लीड पेजेस के थ्रू, यानी कि आपके पेज, आपके वेबसाइट में एक पेज होगा जिसमें आके लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसके अगेंस्ट में लीड जनरेट होगा हमारा, या वो अपना लीड छोड़ के जाएंगे। नाउ अगर लीड मैग्नेट की बात करें तो दो तरीके से लीड मैग्नेट होता है। एक होता है इंसेंटिवाइज, एक होता है नॉन इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी ब्लॉगर को अपना ईमेल का सब्सक्राइबर बढ़ाना है, यानी कि अपना लीड जनरेट करना है ब्लॉगर को, राइट? तो वो क्या करेगा कि वो एक ईबुक बनाएगा और बोलेगा, देखो भाई मैंने एक ईबुक बनाया है और जो भी निश है उसका प्रीमियम चीज इसके बारे में बोल रहा है, राइट? प्रीमियम चीजें इसके बारे में बोला। हो सकता है जैसे SEO का है तो लिखेगा कि SEO के प्रीमियम टूल है, राइट? आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो, बस साइन अप करो, डाउनलोड कर लो। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको बुक तो मिल जाएगी, वो ई बुक तो मिल जाएगी, बट एट द सेम टाइम उनके ईमेल न्यूज़लेटर में आप साइन अप कर लिए। नाउ नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, आपको ईमेल भेजेगा, राइट? कि भैया देखो मेरा ये ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, या ऑफर नहीं भी भेज रहा है तो वो ये भेजेगा कि भाई देखो ये नया ब्लॉग पोस्ट आया। मान लेते हैं कि इसी तरह से ब्लॉगर ने पुश कर करके अपना 10,000 सब्सक्राइबर बना लिया। नाउ अब उसके पास में एक बहुत सस्ता तरीका है ट्रैफिक जनरेट करने का। जैसे उसका कोई ब्लॉग आया, 10,000 सब्सक्राइबर को उसने मेल कर दिया, राइट? उसमें से दो तीन चार हजार की अगर ट्रैफिक भी आ गई तो क्या बुरा है, राइट? तो ये एक तरीका होता है जो एक बहुत ही सस्ता तरीके से ये आपको अपना सब्सक्राइबर में डाल दिया जाता है। सब्सक्राइबर डालने के बाद में ये एक ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। ये आपका ब्लॉगर का एग्जांपल हो गया। वैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो क्या करती है कि फ्री वेबिनार अब करेंगे, राइट? बहुत सारे हैं, फ्री वेबिनार करें। फ्री वेबिनार के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे रजिस्टर करोगे तो जैसे उनका कोई कोर्स नया बैच चालू होना होगा, आपको ईमेल आना चालू हो जाएगा कि यार हम लोग नया बैच चालू कर रहे हैं, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं? आपने वेबिनार ज्वाइन किया, पोटेंशियल क्लाइंट है, राइट? वैसे ही ये तो इंसेंटिवाइज हो गया कि वेबिनार का इंसेंटिवाइज हो गया कि आप आओ तो कुछ दे रहे हैं, राइट? ये इंसेंटिवाइज उसी को बोलते हैं। तो ईबुक, फ्री सॉफ्टवेयर, डेमो, या क्या बोलते हैं इसको, आपको जैसे वेबिनार, ये सारी चीजें तो इंसेंटिवाइज कि आपको कुछ दे रहे थे। नॉन इंसेंटिवाइज कैसे होती है वो बात करते हैं। जैसे रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में आप इंसेंटिवाइज बुक वगैरह देके आप रियली अपने कस्टमर को उतना ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो होता क्या है लीड जनरेशन पेज में, एक लीड फॉर्म होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है कि भाई देखो हम रियल एस्टेट के आदमी हैं और दिल्ली के इस जोन पे या बॉम्बे के इस जोन पे ये घर बिक रहा है और इस घर में ये फैसिलिटी है, हम लोग की ये फीचर है कि हसल फ्री हो जाएगा। जो भी आपको कस्टमर को जो भी पेन पॉइंट है उसको सॉल्व करते हुए पूरा कॉन्टेंट लिखा जाता है। इसको बैकअप कैसे किया जाता है? इसको बैकअप करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोशल प्रूफ्स यूज करते हैं। सोशल प्रूफ्स मतलब कि नंबर्स। तो सोशल प्रूफ्स बेसिकली क्या होता है कि भाई हमारे हमसे 5000 लोगों ने घर खरीदा है, हमने आज तक इतने करोड़ का घर बेच चुके हैं, राइट। तो सामने वालों को लगता है ना यार इतना करोड़ का घर बेच चुका है, 5000 लोग उससे खरीद चुके हैं, यानी कि ये आदमी बड़ा ट्रस्टेड आदमी है, राइट। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। बाय द वे सोशल प्रूफ पे भी हम लोगों ने वीडियो किया था, अगेन सोशल प्रूफ अपस्किल, आप गूगल में यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, सोशल प्रूफ अपस्किल, UPP है, याद रखिएगा अपस्किल के अंदर में। तो यहाँ वहाँ पे भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और हम लोग एक और वीडियो किया था गेटेड एंड नॉन गेटेड कॉन्टेंट में, तो उसका भी वीडियो आप गेटेड एंड नॉन गेटेड कॉन्टेंट में अगर आप सर्च कीजिएगा गेटेड एंड नॉन गेटेड कॉन्टेंट अपस्किल तो आपको मिल जाएगा। नीचे में मैं वो टर्म्स लिख दूंगा जो भी सर्च करने के हैं, राइट। तो आप लोग जाके आराम से गूगल यूट्यूब में जाके सर्च करके आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो लीड मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, लीड मैग्नेट वो वजह होती है जिस वजह के कारण लोग लीड छोड़ के जाते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात इंसेंटिवाइज की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है कि लोग कुछ ई बुक या फ्री डेमो क्लास या वेबिनार दे रहे हैं तो इंसेंटिवाइज कर उसके अगेंस्ट में लीड ले रहे हैं, राइट। और यहाँ पे नॉन इंसेंटिवाइज वाले में क्या हो रहा है कि इसमें कुछ भी हम आपको दे नहीं रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉन इंसेंटिवाइज वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है उस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सॉल्व होता है तो लोग लीड छोड़ के जाते हैं, और लोग अगर लीड छोड़ के जाते हैं फिर उसके बाद हम उनको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हमने घर में विजिट कराया, अगर रियल एस्टेट हो तो अगर एजुकेशन शूट है तो आगे काउंसलिंग के लिए बुलाया, जो भी उनका फ्लो होता है, जो भी बिजनेस का फ्लो होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो लीड मैग्नेट वो वजह है, और लीड मैग्नेट को बैकअप कौन करता है, सोशल प्रूफ करता है, मतलब कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या टेस्टिमोनियल है, कितने लोगों को आपने किया है, आपकी रिव्यू क्या है, आपकी रेटिंग क्या है, आपका मीडिया में कहाँ पे मेंशन हुआ है, फलाना ढकाना। सोशल प्रूफ के वीडियो जो यूट्यूब में है हम लोग का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अपस्किल के यूट्यूब चैनल पे, और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल पे। तो लीड मैग्नेट के बारे में यही चीज है, लीड मैग्नेट लगता कहाँ पे, तो लीड पेज में लगता है। लीड मैग्नेट वजह है, लीड पेज नहीं है, वो वजह है जिसकी वजह से लोग लीड छोड़ के जाएंगे। इट्स लाइक कि लीड पेज पूरा मूवी है और उसमें वो मेन एक्टर है जिसके वजह से मूवी देखने लोग जाते हैं, शाहरुख खान है वो, राइट। तो बेसिकली लीड मैग्नेट आपको पहले कस्टमर आपका कैसे बनाओगे, तो कस्टमर के पेन पॉइंट को सोचो, तुम्हारा जो कस्टमर है, तुम्हारा जो रीडर, उसके पेन पॉइंट को सोचो, उसके शू में कि भैया इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर हम SEO वाले बंदे हैं और हमारा कस्टमर SEO का बेसिक जानना चाहता है, हमारे ब्लॉग में पढ़ता है, तो इसका मतलब कि अगर उसको अगर हम फ्री प्रीमियम टूल या हम कुछ प्रीमियम टूल के बारे में बताना चालू कर दें और ईबुक के फॉर्मेट कर दें तो वो उसको कंज्यूम करेगा और उसको डाउनलोड करेगा, राइट। तो उस टर्म में करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनी भी लीड जनरेशन के लिए, अपना लीड कैप्चर करने के लिए यूज करती है यही सेम टेक्निक का। तो आप लोग भी कर सकते हैं इसको, बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, आपके यूजर का पेन पॉइंट क्या है, उस पेन पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करो, उसका एक मटेरियल बनाओ। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को एक लालच देते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ब्राइब दे रहे हैं, भैया लो ये लालच है और इसके अगेंस्ट में अपना लीड जो है छोड़ के जाओ, तो हम लोग ये करते हैं। तो दोस्तों आज लीड मैग्नेट के बारे में इतना ही, और हम लोग आपसे मिलते हैं कल यानी कि Day 3 में। तब तक यहाँ पे मेरे टी शर्ट में जो लिखा गुड वाइब्स ओनली, तो गुड वाइब रखिए, अच्छा रखिए, ईमानदार रहिए दूसरों से और करते रहिए काम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।